नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। कन्नौज के मानीमऊ क्षेत्र में चोरों ने ढाया दुकानदारों पर कहर। एक ही रात में 5 दुकानों पर ढाया कहर। दुकानों के ताले व शटर तोड़कर किए लाखों का माल पार। इसी इलाके में 3 दिन पूर्व चोरों ने सेंध लगाकर बीज गोदाम से किया था लाखों का माल पार। लगातार हो रही चोरियों, पुलिसिया गश्त की खोल रही है पोल। पुलिस चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर चोरों ने दिया घटना को अंजाम। सदर कोतवाली क्षेत्र के मानीमऊ कुशवा मार्केट का मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभ्रश शर्णकार है। कहाँ से हैं आप? जी मैं मियांगंज से। क्या हो गया था? यहाँ जो है कल शाम को भैया दुकान बंद करके गए थे और उसके बाद यहाँ जो है सुबह जब पेपर वाला आया है तब उसने जो है फ़ोन करके मुझे बताया कि आपकी दुकान में चोरी हो गई है और शटर टूटा पड़ा है। तो फिर हम लोग तुरंत जैसे स्थिति में थे वैसे ही तुरंत उठ के सीधे यहीं आए तो देखा क्या यहाँ पर हमारी दुकान टूटी हुई पड़ी थी और शटर को नीचे बिलचे डालकर उचकाया गया था जिसमें हमारा करीब जो है 50,000 रुपये के लगभग चांदी का नुकसान हुआ है और क्रिस्टल भी 20,000 रुपये का पड़ा था। जो मोती होता है वो भी 20,000 रुपये का लगभग पड़ा था और उसमें जो है कैश भी था। जो कैश था ये समझो समथिंग जो है वो 15-20,000 रुपये का केस था। वो भी यहाँ से आशंकाएं निकल चुका है वो भी और इस तरीके की ये घटना हुई है। यहाँ पे कितनी दुकानें टूटी हुई हैं? यहाँ पर दुकानें 2 दुकानें जो टूटी हैं जिसमें चोरी हुई है और जो 3 दुकानें हैं जिसमें डबल शटर थे मान लो तो वो तो जो है उसमें हाथ उन्होंने उसमें भी लगाया है उसकी जो है एक शटर उचकाया है उसका लेकिन उसमें उन्हें सफलता नहीं मिल पाई है तो उसको उन्होंने छोड़ दिया है। बाकी जो 2 दुकानें थी उसमें उन्होंने कायदे से चोरी की है और माल भी ले गए हैं, सक्सेस हुए हैं चोरी में समझो। मेरा नुकसान लगभग 90-95,000 इतना लगभग नुकसान हमारा हुआ है। पुलिस को सूचना तो दी है और यहाँ से लगभग 200 मीटर पर चौकी है, चौकी इंचार्ज 200 मीटर पर बैठते हैं। पुलिस को तो सूचना दी है लेकिन यहाँ ऐसा लगता है गश्त का कोई बंदोबस्त नहीं है तो इस वजह से ये घटना होती है। और इससे पहले भी यहाँ घटना हुई है जिसमें दुकानें टूटी हैं और उसमें चोर सफल हुए हैं माल ले जाने में। तो ऐसा लगता है यहाँ जो है सुरक्षा का बंदोबस्त और कड़ा होना चाहिए और पहरा यहाँ कड़ा होना चाहिए जिससे कि ये आम जनता है जो हमेशा क्या ऐसे ही लुटती रहेगी या फिर यहाँ पर सुरक्षा का कोई बंदोबस्त नहीं किया जाएगा जबकि चौकी बिल्कुल पास में है। तो हमारा तो यह भी कहना है कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए जिससे कि यहाँ तकलीफों में निजात मिले और लोगों को राहत मिले। जो बात है कि आत्मनिर्भर की तो स्वयं सारे नागरिक आत्मनिर्भर हैं, सब अपनी सुरक्षा रखते हैं। डबल शटर भी यहाँ लगाए हुए हैं। आप देखें तो सारी दुकानें लगभग जितनी यहाँ दुकानें उसमें आधे से ज़्यादा डबल शटर हैं क्योंकि चोरी की वारदातें यहाँ अक्सर होती रहती हैं। और ये कुशवाहा मार्केट है, यहाँ पर आप पिछली न्यूज को भी उठाकर देख लेंगे तो यहाँ चोरी की वारदातें होती रहती हैं जिस पर कोई मतलब संज्ञान नहीं लिया जाता है। रिपोर्ट तो लिख दी जाती है लेकिन कोई यहाँ संज्ञान नहीं लिया जाता है जिससे कि चोर जो है बेखौफ होकर चोरी करते हैं और आए दिन वारदात होती रहती है। यहाँ मानीमऊ में कई ऐसी वारदातें होती हैं। यहाँ आप कुशवाहा मार्केट ले लीजिए और वहाँ उस साइड में उदयतापुर रोड पे वहाँ भी चोरियाँ होती हैं, काफ़ी दुकानें टूटती हैं जिससे कि कोई मतलब कार्रवाई लिख तो ली जाती हैं रिपोर्टें लेकिन कोई विशेष कार्रवाई होती नहीं है। जो जिस तरीके से मजबूती से कार्रवाई हो, चोर को पकड़ में लाया जाए, माल की वसूली की जाए लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। रिपोर्ट तो लिख लेती है पुलिस और अपने फर्ज से अदा हो जाती है। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।